My name is Jyanshu Patil and my topic is cyberspace and its private and national security. Cyberspace is a term used to describe the space which is created by the electronic communication networks such as internet, which facilitate the communication between the numbers of peoples around the globe. Cyberspace is a public space where the individual can meet and share information, exchange ideas, provide social supports, and conduct business like. Cyberspace is a place where the peoples are connected with each other. Cyberspace में physical connection की जरूरत नहीं होती, इसमें communication होता है. वो WhatsApp, Facebook, Hi, chat room वगैरह की आदि की मदद से होता है. Cyberspace का origin Dennis Artist के द्वारा 1960 में उनके पार्टनर के साथ 1940 से 1998 के बीच में किया गया था, जो कि पार्टियर साइबर स्पेस के थ्रेट्स ऑफ साइबर स्पेस एक्टिविज्म, साइबर क्राइम, साइबर पायनर्स, साइबर एक्टिविज्म हैकिंग, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को ब्रेक करना और हैक करना भी किसी भी पॉलिटिकल और सोशल मकसद के कारण जो सिस्टम को हैक करता है उसे एक्टिविस्टिस एक्टिविज्म में वेबसाइट डिफेसमेंट एंड डीडोस अटैक, डोज अटैक, ट्रोजन्स, मॉलवेयर, वल्नरेबिलिटीज फाइंड करना आदि इंफॉर्मेशन जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड है वो सब एक्टिविज्म में आती है, जिसमें हैकिंग की जाती है कंप्यूटर की. साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूड होता है एक किसी भी क्राइम को कमिट करने के. साइबर क्राइम में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज होती है जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम यूजर को कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिजनेस ट्रेड सीक्रेट्स, सीक्रेट डाटा को यूज करना एक किसी भी मकसद से, इलीगल पर्पस से होता है, उसे साइबर क्राइम कहते हैं. साइबर पाइनोजिक जनरली रिफर करती है डिप्लॉयमेंट ऑफ वायरस को, विच जो कि डाटा को ऑब्जर्व करता है और उस डाटा को हार्म करता है, फिर डाटा को डिस्ट्रॉय करता है. और ये अधिकतर गवर्नमेंट एजेंसीज के कंप्यूटर सिस्टम्स और जो इंटरनेशनल कंपनीज और लार्ज एंटरप्राइजेस कंपनीज हैं उनके कंप्यूटर सिस्टम्स में अधिकतर देखने को. साइबर टेररिज्म एक ऐसी टेररिज्म एक्टिविटी है जिसमें एक लार्ज स्केल पे डिक्रिप्शन ऑफ डाटा होता है, जिसमें डिक्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स होता है, जिसमें डाटा को हार्म किया जाता है और फिर उसके जिसमें पर्सनल डाटा और पर्सनल इंफॉर्मेशन को लीक किया हुआ जाता है और उसमें इंक्रिप्शन कोड डाल दिया जाता है कि एक पर्सनल नेटवर्क्स और पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम से अटैच रहे. एडवांटेजेस ऑफ साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, एंटरटेनमेंट, सोशल नेटवर्क. इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, आज इंटरनेट पे किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. किसी भी टॉपिक में आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, आपको इंटरनेट पे अवेलेबल आसानी से हो जाती है. आपकी जो भी इच्छा हो वो आप सर्च करके उसमें आसानी से पास. इंटरटेनमेंट के रीजन से भी कई पीपल्स आज इंटरनेट को सर्फ करते हैं, क्योंकि इसमें आसानी से गेम डाउनलोड हो जाते हैं, म्यूजिक हो जाता है, वीडियोज. आप जिस माहौल में हैं उस माहौल के हिसाब से आप उसमें ढल सकते हैं, जो कि आज आसानी से आपको फ्री में मिल रहा है. सोशल नेटवर्किंग साइट्स, सोशल नेटवर्किंग एक मेजर रोल प्ले करता है साइबर स्पेस में, क्योंकि आज स्पेस के जीवन में आज हर व्यक्ति सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़ा हुआ है. इसमें कुछ ना कुछ डाटा शेयर होती रहती है. बिना सोशल नेटवर्किंग के इस व्यस्त जीवन में जीना इमेजिन करना बहुत. सोशल नेटवर्किंग साइट युवाओं में ज़्यादा पॉपुलर हो रही है और मिलियंस ऑफ पीपल आज सिमिलर इंटरनेट के द्वारा सोशल नेटवर्किंग साइट्स को यूज़ कर रहे हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ साइबर पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक ये डिसएडवांटेज है कि हमारी जो इसमें नेम दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, अपनी जो पर्सनल डिटेल्स इसमें दी हुई है वो आसानी से कोई भी पीपल यूज़ कर सकता है. जैसे क्रेडिट कार्ड अपन यूज़ कर रहे हैं ऑनलाइन परचेसिंग के लिए, तो अपना क्रेडिट कार्ड चोरी हो जाता है तो अदर पीपल्स भी उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर लेते हैं. बैंक चेक की जगह आज क्रेडिट कार्ड ज़्यादा यूज़ हो रहा है. आज इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि साइबर क्राइम एक्टिविटी जो बढ़ गई है, जिसमें अधिकतर लड़कियां और महिलाएं इसके अंतर्गत इंक्लूड हो रही है. साइबर स्पेस का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि साइबर टेररिस्ट और साइबर एक्टिविटी जो करता है उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसके जो डिजिटल एविडेंसेस रहते हैं वो मिल नहीं पाते और उन पे डिजिटल एविडेंस जो रियल वाले हैं उन पे काम करना बहुत मुश्किल है. इसलिए उसकी बिट टू बिट इमेज बनाकर हम उस पे काम करते हैं, उसका ये भी डिसएडवांटेज है. हम बिट टू बिट इमेज बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो डाटा सिक्योर रहे, वो हमारे लिए एक एडवांटेज. थैंक यू.